हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप अपनी यूट्यूब चैनल पीके स्टडी नंबर वन पे। तो आज देखने वाले फ्रेंड्स, आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, है ना। क्वेश्चन क्या है, एकदम इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है। तो सभी लोग, है ना, देखेंगे आज डिजिटल पैनल पे आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। सभी लोग देखेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखेंगे क्या होने वाला है, क्या कर रहा है, बोलो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट एकासी, है ना, रूट एकासी का वर्गमूल निकालना है, रूट एकासी का वर्गमूल निकालना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए तो रूट एकासी का वर्गमूल निकालना है, तो सभी लोग देखेंगे कि रूट एकासी का वर्गमूल निकालना है ना, इसका वर्गमूल निकालना भैया, हां क्या करना, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल रूट एकासी का वर्गमूल, है ना। तो रूट एकासी का वर्गमूल कितना होगा, बोलो नौ, इसका पर पावर रूट हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, रूट नौ मतलब क्या होगा, नाइन का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलो तीन होता है, यस, है ना, ये आपका आंसर हो गया, है ना। क्या समझ में आया, यस। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एकदम इम्पोर्टेंट, सब लोग देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है, बोलो, है ना। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना। तो क्या होगा, है ना, क्या दिया है, बोलो भुजा किसकी भुजा, बोलो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, ए सेमी, कितना सेमी, ए सेमी, राइट। तो क्या निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो चार गुना भुजा, सॉरी, ना। तो क्या होगा, सभी लोग ध्यान देंगे, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है तीनों भुजाओं का योग, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। सबसे पहले करेंगे क्या, a प्लस b प्लस c, है ना, हटा में क्या करेंगे, तीनों का योग कर लेंगे, कितना होगा, तीनों का योग होगा, होगा ना, तीनों का योग होगा। तो करेंगे क्या, बोलो a प्लस a, है ना, कितना होगा, बोलो 3a, आपका परिमाप निकल के आया 3a, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखेंगे क्या होने वाला है, एकदम इंपोर्टेंट होगा, सभी लोग देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखेंगे क्या है, चलिए सभी लोग क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है, है ना। चलिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनफल निकालना है ना। तो सबसे पहले लाइव, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा ना कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है, एकदम मस्त होगा एकदम, है ना। आप लोगों को इस तरह से सीखना है क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट, ये क्वेश्चन है। करना क्या है ना, बोलिएगा सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, हां क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट। तो यहां कह रहा है कि 5x है ना, बीच वाले पे कमांड करना है, गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना है आपको, बीच वाले पे कमांड करना है, यानी कि क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे, मतलब जोड़ें या घटाएं, तो लगाना है कितना, बोलो प्लस 5x, और गुणा करेंगे, जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे उसी को गुणा करेंगे, तो कितना लाना है, बोलो प्लस 6x, ठीक है, यस। तो यहां देखने वाले हैं कि क्या होगा, 3x प्लस 2x, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां करेंगे तो 3 गुणा 2, है ना, 3 गुणा 2 कितना होता है, 6 होता है ना, यस जी। क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा, है ना। तो करेंगे क्या, है ना, इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, है ना, 2 का में 6 कितने बने, बोलो 3 बने होता है, होता है ना। गुणनखंड में 2 गो का 1 गो होता है, सभी लोग को ध्यान रखना है, तो गुणनखंड में 2 गो का 1 गो होगा, है ना, क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ये आपका आंसर होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, है ना, ये आपको समझ में आया होगा, जरा सा इसका सुनिया कहेगा, आपको सुनिया पूछ देगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, x का मान निकालने बोलेगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखना है x का मान कैसे निकलेगा।
एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो करेंगे और एक्स प्लस टू बराबर क्या करेंगे जीरो करेंगे, एक्स बराबर क्या होगा बोलो माइनस थ्री, प्लस जाएगा एक बार से ऊपर माइनस थ्री हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा माइनस टू है ना, तो आपका एक्स बराबर निकल के आया माइनस थ्री और माइनस टू आपका निकल के आया। क्या समझ में आया है कि नहीं बोलो, चलो समझ में आया, यस सर।